देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब रुक करते हैं खबरों की। जीवन रक्षा डेस्ट्रोज लाइन इंजेक्शन आईपी के बीच छुपाकर ट्रक से जा रही 30 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित शराब बरामद। कुशीनगर जनपद के तराय सुजान पुलिस ने आज पुलिस की आंख में धूल झोंककर बिहार ले जा रही हरियाणा निर्मित शराब की एक खेप को मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 माधोपुर बालाजी होटल के पास से बरामद करने में कामयाब हुई है। जीवन रक्षक दवा डेक्सट्रोज स्लाइन इंजेक्शन आईपी के बीच छिपाकर ट्रक से जा रही 30 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित शराब बरामद। कुशीनगर जिले के तरिया सुजान पुलिस ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर बिहार ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित शराब की एक खेप को मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 माधोपुर बालाजी होटल के पास से बरामद करने में कामयाब हुई। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए, 25 लाख की गाड़ी और दवा कीमत मिलाकर लगभग 1 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। बता दें कि ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्र द्वारा चलाई जा रही है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान की एक कड़ी है। गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद पुत्र जमशेद इंद्रेशपुर थाना बड़ोद जिला बागपत उत्तर प्रदेश, रुखसात पुत्र लियाकत पता उपरोक्त, बरामदगी 500 पेटी हरियाणा निर्मित मशालेदार रंगीन शराब, कल 24,000 शीशी कीमत करीब 30 लाख। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, जगमोहन रॉय, एसआई राघवेंद्र सिंह, मनोज यादव, राकेश यादव, कांस्टेबल आशीष जायसवाल, थाना तरिया सुजान कुशीनगर शामिल रहे। वहीं क्षेत्र तरिया सुजान पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास इस बड़ी बरामदगी से बढ़ा है। आज कुशीनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना तरिया सुजान क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक को पकड़ा गया है जिसमें इलिसिट लिकर रिकवर हुई है और ये अवैध शराब हरियाणा ब्रांड शराब है जो कि बिहार राज्य में ले जाई जा रही थी। इसकी आपूर्ति बिहार राज्य में की जानी थी। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 500 पेटी जिसमें लगभग 4,000 लीटर से अधिक शराब होगी और जिसकी कीमत 30 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है, ये रिकवर हुई है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की बॉटल्स जो पेशेंट्स को चढ़ाई जाती है उसके बॉक्सेस के बीच में इसको छिपाकर रख के लेके जाया जा रहा था, ये पुलिस ने इसमें मुखबिर की सूचना पर ये रिकवरी की। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। उमरी बेगमगंज थाना में एक 28 वर्ष युवक को गुरुवार की देर रात्रि में गांव के नजदीक रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में एक 28 साल के युवक को गुरुवार की देर रात्रि में गांव के नजदीक रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उमरी बेगमगंज थाना के बढ़नापुर गांव के निवासी सुनील कुमार पासवान पुत्र मंगरे गुरुवार की देर रात्रि करीब 9 बजे उमरी बेगमगंज बाजार में दवा लेने गया था। दवा लेकर वापस घर लौट रहा था कि गांव के पहले निधि नगर के पास पहले से घात लगाए बैठे 5 लोगों ने उसे रोक लिया और रोक कर मारपीट की गई। बाद में उसे गोली मार दी गई। गोली उसके पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे उमरी के CHC केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल अवस्था में सुनील कुमार ने बताया कि जनक राम और सूर्य कुमार से रंजिश चल रही है। सुनील कुमार ने बताया कि सूर्य कुमार के भाई ने 15 दिनों पूर्व उसकी बहन का अपहरण कर लिया, उसका विवाद चल रहा है। घटना की तहरीर उमरी बेगमगंज थाने में दे दी गई है। गोंडा से संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। जिला चिकित्सालय मैनपुरी में कमरा नंबर 3 के बाहर मरीज सुबह से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। मरीज आ रहे हैं और उदास होकर चले जा रहे हैं। डॉक्टर गौरांश गुप्ता का कोई अता पता ही नहीं है। मैनपुरी में जिला चिकित्सालय मैनपुरी में कमरा नंबर 3 के बाहर मरीज सुबह से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। मरीज आ रहे हैं और उदास होकर वापस लौट जाते हैं। डॉक्टर गौरांश गुप्ता का कोई अता पता नहीं। जहां एक तरफ योगी सरकार अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को समय से आने के लिए कह रही है, लेकिन कुछ डॉक्टर अपनी मनमानी कर समय से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। इनके न आने का समय पता है न जाने का। इस कारण मरीजों को दवाई न मिलने के कारण बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीज वहां बैठा इंतजार कर रहा है और बीमारियों से जूझ रहा है। पर्चा बनवाते वक्त ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी लोगों का पर्चा तो बनाते हैं, लेकिन उनके साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं किया जाता। अगर किसी के पास 1 रुपये खुला नहीं है तो पर्चा बनवाते हुए मरीज से ये कह दिया जाता है कि खुले पैसे दो,
नहीं तो पर्चा बनवाते हुए व्यक्ति 10 या 15 रुपये 5 रुपये जो भी पैसे देते हैं उनसे बाद में ये कह दिया जाता है कि खुले पैसे नहीं हैं और उन पैसों को पर्चा बनवाने वाले लोग अपने पास रख लेते हैं और फिर पैसे वापस भी नहीं करते। संवाददाता संत प्रकाश स्वर्णकार की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज़। गोवर्धन ब्लॉक के गांव लोरिया पट्टी में बसी हरिजन बस्ती पानी के कहर से घबरा रही है। घरों में पानी भर रहा है, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो वहीं पानी के आने जाने से लोगों को रास्ते बंद कर दिए हैं और पानी के जमा हो जाने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोवर्धन ब्लॉक के गांव लोरिया पट्टी में बसी हरिजन बस्ती पानी के कहर से घबरा रही है। घरों में पानी भरा है, लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो वहीं पानी न आने जाने के रास्ते सभी बंद कर दिए गए हैं। बारिश का मौसम आया तो समझो गांव में हरिजन बस्ती में कहर आ गया है। ना तो लोगों के निकलने के लिए रास्ता है और ना ही कोई रहने के लिए जगह। ऐसे में उनके परिवार के लोग कहाँ जाएं? यह हाल है गोवर्धन के गांव लोरिया पट्टी में, जहां हरिजन बस्ती में पिछले कई माह से बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन है कि कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। गोवर्धन ब्लॉक के गांव लोरिया पट्टी में पिछले कई वर्षों से बारिश के पानी को लेकर समस्या बनी हुई है। बारिश के दिन आते ही मकानों में पानी भर जाता है और लोगों के आने जाने की परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इससे इसको लेकर के बस्ती में लोगों ने SDM गोवर्धन को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया है। तो वहीं बस्ती के लोगों ने बताया कि बस्ती में बारिश होने से पानी भर जाता है, इससे बच्चों स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इस समस्या को लेकर लोगों ने SDM को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं पानी भरने से बस्ती का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस ओर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का ध्यान तक नहीं गया। घरों के चारों ओर बारिश का पानी भरने से संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी बनी रहती है और घर से महिलाएं और बच्चे किसी भी कार्य के लिए नहीं जा पाते हैं। ऐसे में हम गरीबों का दर्द समझने वाला कोई है ही नहीं। इससे लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। हम सतीश जैसा सतीश कहाँ के रहने वाले हो? लोरिया पट्टी के। पानी की समस्या ले बात कर रहे थे, क्या समस्या आपकी? ये पानी साहब काफी दिन से हमारे यहाँ भरा हुआ है। प्रधान साहब ने हमें कई दफे बोला है, वो हमारी सुनता नहीं है साहब। दो साल से हम बहुत परेशान है। SDM के साथ पास गए थे, वहाँ पे हम ये कागज लगवा के दिया है। हमारी कोई सुनवाई है जाए बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो SDM को आपने बात करा दिया इस पानी को लेकर? हाँ करा दिया साहब, गए थे वहाँ पर। क्या बोला SDM साहब ने? SDM साहब ने जो बोला था 3-4 दिन में बैठे हम समस्या कोई ना कोई तुम्हारी हल हो जाएगी, ये बोला था। कहाँ के रहने वाली हो? लोरिया पट्टी। पानी को लेकर ये बताइए, घरों में पानी भरा था, क्या समस्या, क्यों बताया? समस्या ये है बाबू जी, लेकिन हमारे 3 साल से इतनी परेशान है कि रास्ता नहीं है कतई निकलने के लिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना कोई रोजगार को जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, सारा सामान खराब हो गया हमारा। ना आज कपड़े लत्ते कुछ पहनने को ही नहीं है हमारे घर में। कब से स्थिति है ये पानी की यहाँ पे? करीब है गई 3-3.5 साल हो गई जब से पानी भरा रहता है। भरा ही रहता है। आपने इसको लेकर घर को ग्राम पंचायत प्रधान या कोई प्रधान कोई भी सुनाई नहीं करता है सर। हमारी बच्ची की शादी हुई थी, जब भी हमने हाथ जोड़ जोड़ के कह दी, प्रधान सुनाई नहीं करता है। और कुछ उच्च अधिकारियों से नहीं मिले आप? अब इतनी जानकारी नहीं है भाई बाबू जी। ADM साहब के पास गए थे, उन्होंने कह दी अब तुम्हारा समाधान हो जाएगा, कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा बोला उन्होंने। हाँ बोला था। अभी तो कई दिन हो गए साहब, कोई समाधान कोई समाधान कोई बात ही नहीं है कोई आने की। यहाँ मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री मनोहर लाल पंत ने महादेव पहुंचकर लोधेश्वर का किया जलाभिषेक। मंत्री ने कहा लोधेश्वर के दरबार में पूरे भारत के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, लोग अपनी अपनी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं। बाराबंकी में श्रम एवं सेवा नियोजन मंत्री मनोहर लाल पंत ने महादेवा पहुंचकर लोधेश्वर का किया जलाभिषेक। मंत्री ने कहा कि लोधेश्वर के दरबार में पूरे भारत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, लोग अपनी अपनी मान्यतें भी लेकर आते हैं। पर्यटन विभाग से लोधेश्वर और महादेवा के विकास के लिए मंत्री जी बात भी करेंगे। बेहद ही सादगी पूर्वक श्रद्धा से लबरेज दिखे मंत्री। मंदिर के अंदर सेवा करने वाले बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके छुए पैर, बाहर निकलने पर देते हैं मूछों पर ताव। थाना रामनगर के महादेवा स्थित लोधेश्वर बाबा का है पूरा मामला। हमारा भारत देश इतना धार्मिक देश है कि यहाँ पर माता सती अनसुईया जैसी भक्तों मीराबाई और ऐसी कई तुलसीदास कबीरदास कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिनने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बालक के रूप में बनाया था और उनको भोजन भी कराया था। तो ये देश हमारा भक्ति भाव से भरा हुआ है। यहाँ
भोलेनाथ की कृपा है तो यहाँ संसार का जितना भी व्यक्ति है दर्शन करने आता है वो तो अपनी अपनी मान्यता मांग करके अपना मन्नत पूरी करता है और उससे उसको लाभ मिलता है। ये बहुत पुराना हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर हम लोगों की आस्था के अनुसार, जनता की आस्था के अनुसार यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपना इस देश के अंदर हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में भी और प्रयागराज में भी, अभी हमारा प्रयागराज में जो कुंभ का मेला भरा था, इतना बढ़िया इंतजाम, इतना सुंदर इंतजाम कि यहाँ पर हजारों माताएं, बहनें, बुजुर्गण दर्शन किए, कार्य किए और गंगा, जमुना, सरस्वती में डुबकी लगाई और दर्शन करके बहुत अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मंत्री जी के द्वारा ये सब काम हुआ। सौंदर्यीकरण हर जगह भगवान के प्रति होता है और होता रहेगा। पर्यटन के हिसाब से मैं पूरी बात रखूँगा। यहाँ जो हमारा भोले लोधेश्वर महाराज के यहाँ जो भी मैं पर्यटन के विभाग से जो मदद होगी मैं मदद करूँगा और भगवान की कृपा है, उनका काम तो स्वयं ही स्वयंभू है। आप सब काम लोधेश्वर धरती से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ भक्तों को, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यहाँ से सभी का कल्याण हो, सभी आनंदित रहें और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से अपने बच्चों को पालन करें, खुद पलें और देश के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं कि भोलेनाथ की और माँ की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज आपसे मिल रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। भगवान सबकी रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज़। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज़। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।